मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्यानिकी किसानों को 100 करोड़ की फसल बीमा राशि का वितरण किया। इस दौरान शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीब कल्याण पखवाड़े के अंतर्गत प्रदेश के 1,71,223 उद्यानिकी किसानों को 100 करोड़ 61 लाख रुपए की फसल बीमा राशि का वितरण किया। राशि का अंतरण ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को शिवराज ने संबोधित किया। इसमें जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्रों पर लगभग 1,000 लाभान्वित कृषक संवाद से जुड़े रहे। लाभान्वित होने वाले किसानों में खरीफ 2019 के 68,259 किसान हैं, जिन्हें 36 करोड़ 10 लाख रुपए की बीमा दावा राशि प्राप्त हुई। रबी 2019-20 के 1,02,964 किसान हैं, जिन्हें 64 करोड़ 51 लाख रुपए की बीमा दावा राशि प्राप्त हुई। कृषि बिल के मामले में भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। आज मैंने विस्तार से मध्य प्रदेश के किसानों के साथ चर्चा करके और कृषि बिल में क्या क्या प्रावधान है जब इस पर चर्चा की तो सब किसान प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। ये किसानों की आय दुगना करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए जो भ्रम फैला रहे हैं वो भ्रम ना फैलाएं। किसानों की आय दुगनी करने के कई उपाय हैं, उनमें से एक कृषि बिल है, दूसरा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, तीसरी मुख्यमंत्री कल्याण योजना है, राहत की राशि, फसल बीमा योजना का पैसा, 0% ब्याज पर कर्जा। ये जो सारे उपाय हैं ये सब किसानों की आय को दुगना करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है और इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं और मध्य प्रदेश सरकार भी अपनी तरफ से विनम्र प्रयास कर रही है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।